हेलो हाय एवरीवन, स्टॉक टिप वन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अदानी ग्रीन शेयर्स के बारे में, पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज गाइस, जिनके लिए भी चैनल नया है तुरंत जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इनफैक्ट बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए फॉर माय लेटेस्ट अपडेट। यहाँ पे अदानी ग्रीन के बारे में बात करें तो देख सकते हैं राइट नाउ 960 रुपीज पे ट्रेड कर रही है और अच्छी खास पे ट्रेड कर रही है, और लगातार अगर हम लोग लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो यहाँ पे अच्छी खासी डाउन आते हुए दिखी थी हमें। बट यहाँ पे अगर हम लोग एक और चीज पे ध्यान दें, 6 मंथ पे आ जाते हैं तो देख सकते हैं उससे पहले कितनी ही बड़ी करेक्शन होते हुए दिखी है। एक टाइम पे इनफैक्ट ये 500 तक भी शेयर्स आते हुए दिखी है, और अभी के टाइम में जो रिकवरी लेने के बाद फिर से 970 तक टच करते हुए दिख चुकी है। एक टाइम पे 2000 पे भी ट्रेड करते हुए दिख रही, तो इसलिए 1 ईयर का चार्ट पैटर्न खोल लेते हैं, इनफैक्ट उससे प्लस जाते हुए दिखी थी। बट यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रही है, मेरे माउस के कर्सर पे अगर आप लोग ध्यान दिए तो अदानी की डिफरेंट शेयर्स की बात करें तो लास्ट टाइम हर एक शेयर्स ऊपर थी, 5.11%, 6.858%, 2% तक, फिर वही 1.68% तक अच्छी खासी हर एक शेयर मोमेंटम दिखाई है। तो अदानी ग्रीन में ही क्यों इतनी कम है मोमेंटम, अब इसको लेके थोड़ा सा और डिटेल में मैं बात करती हूँ, क्योंकि बहुत ही पूछ रहे थे इस शेयर्स के बारे में, डाउट हो तो कमेंट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे सबसे पहले होल्डिंग्स की बात करें, होल्डिंग्स बनते जा रही है अच्छी खासी, अगर आप लोग को लगाना है तो अगर आप लोग के पास ऑलमोस्ट अच्छी खासी अमाउंट है तो आप 10,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं इस शेयर्स पे, एक अच्छा मोमेंटम आपको फ्यूचर में चांसेस रह सकती है, मैं यही बोलूंगा चांसेस रह सकती है मिलने का। बट यहाँ पे 2-3 ये अच्छी बात भी है और डिसएडवांटेज भी है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को दिखा देता हूँ, आपको पता ही है कि फॉल होते हुए दिखिए, ये सब चीज को आप पढ़ सकते हैं, वीडियो स्टॉप कर लीजिए पढ़ लीजिए, बट हाँ आपको उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पे मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे कुछ और भी। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो लगातार तेजी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें पीबीटी में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो अच्छी तेजी रही है, यहाँ पे बात की जा रही थी बीच में जो ये बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए थे अदानी ग्रुप पे, ये लग यहाँ पे मैनिपुलेशन हो रहा है, यहाँ पे फंडामेंटल एनालाइज करें तो वहाँ पे बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन हो रहा है। तो मैनिपुलेशन को लेके ही बात अगर कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का फ्लो देखने को मिल रहा है हमें मार्केट में। बट हाँ, मैनिपुलेशन से एक और इंपॉर्टेंट चीज आ रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की साइड बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं इंक्रीज होते हुए सब चीज दिखी है। बट यहाँ पे जो मेन डिसएडवांटेज है, देखिए आपको पता है कि अदानी अपने अगर मैनिपुलेशन भी है चाहे जो भी अच्छा परफॉर्मेंस बनाते हुए डायरेक्ट जा रही है। अब यहाँ पे बात करें तो एक टाइम पे नेट कैश फ्लो की बात करें तो कैश इन हैंड, कहने का क्या मतलब कैश इन हैंड, तो यहाँ पे कैश इन हैंड अच्छी खासी बढ़ते हुए भी दिखी है। एक टाइम पे जस्ट 3 करोड़, मतलब ये सारी फिगर सीआरएस में है तो यहाँ पे 3 करोड़ तक रहते हुए दिखी थी, बट अभी के टाइम में देख सकते हैं सिचुएशन कितनी ही गजब की है, चेंजेस है, डेप्थ बहुत ज्यादा है कंपनी पे, ये चीज की बहुत ही ज्यादा टेंशन है। अब आगे की साइड बात करें तो मेन इंपॉर्टेंट चीज आप लोग बताना चाहूंगा यहाँ पे, दो तीन चीज मुझे खराब लगी, मतलब 2-3 चीज खराब भी है इंपॉर्टेंट भी है। देख सकते हैं एक टाइम पे अदानी की जो होल्डिंग्स थी 2020 में, यहाँ पे जो प्रमोटर होल्डिंग्स थी अदानी की 74.92 ऑलमोस्ट 75 तक बात कर सकते हैं, यहाँ पे फिर अच्छी खासी डाउनफॉल होते हुए देखिए, जहाँ पे 2021, अब मैं आप लोग को 2021 की चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूंगा, क्योंकि बात करना अगर हम लोग हर एक डिटेल में बात करें तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। यहाँ पे अगर बात करें 2021 में, यहाँ पे फिर उसके बाद एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी, तो उस टाइम हमें अदानी में यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला था, मतलब अदानी के होल्डिंग्स में, और फिर धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए दिखी 74 से डायरेक्टली 56, फिर 57, फिर इंक्रीज होते हुए दिखी, तो लास्ट में हम लोग का ऑलमोस्ट 60 तक आते हुए बन गया, फिर लास्ट में यहाँ पे इस टाइम पे भी डाउनफॉल होते हुए दिखी। पर डाउनफॉल होते हुए दिखी तो यहाँ पे चेंजेस भी होते हुए दिखा, क्या चेंजेस, यहाँ पे FIII तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात है, तो यहाँ पे लास्ट टाइम से यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखी है, वो अच्छी बात है शेयर्स के लिए, ये भी अच्छी बात है। फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी तेजी बनते हुए दिखी, पुराने टाइम पे 0.98 और उससे पहले तो और कम, यहाँ पे 1.45। यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग्स की बात करें तो पब्लिक होल्डिंग्स में भी तेजी है पुराने टाइम से, तो कहीं ना कहीं जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग्स कम होते हुए दिखाया वहीं पे बाकी सारे होल्डिंग्स बढ़ते हुए दिखे हैं। यहाँ पे मेरे हिसाब से जैसा मुझे लग रहा है अभी के हिसाब से अगर बात करें तो अदानी फिर से रिटेन करने की ट्राई करेगी, मतलब रिटेन कर, मेरे कहने का मतलब फिर से अपनी होल्डिंग्स को फिर से वापस लेने की ट्राई करेगी, और ट्राई किया उन्हीं का कंपनी है तो ऑफकोर्स ये कर सकते हैं। अभी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आप लोग पूरा ये नहीं बोल रहा हूँ कि अंधा पैसा लगा दीजिए, पैसा इतना ही लगाइए कि जितने के आप कैपेबल हो लॉस भी सफ़र करने के लिए। अभी अगर हम मैं अभी के टाइम में बोलूँ तो ऑलमोस्ट आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 लगा सकते हैं शेयर्स पे, अगर 1 लाख का पोर्टफोलियो है तब, 10 लाख का पोर्टफोलियो है तब पर भी मैं तब तो मैं बोलूँगा 50 या 60,000 अगर आप लगा देते हैं, या 1 लाख आपका प्लान है तो आप कर सकते हैं ऐसे 60,000 तक आप लोग लगा सकते हैं इस शेयर्स पे।
आगे की और बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब ये बाकी सारे में तो एक अच्छा तेजी देखने को मिला था 6 मंथ पे, यहाँ पे ध्यान देते तो 20, ये भी अच्छी खासी डाउन आई थी। 4000 की शेयर 1000 में, 1100 पे मिल रही थी और फिर उसमें एक अब फिर से रिटेन होने की ट्राई कर रही और अभी चांसेस है कि ये और भी ऊपर जाएगी और अच्छा प्रॉफिट बनाते हुए दिखेगी। डैट्स ऑल, यही था। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पे भी तो बिल्कुल क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी लेटेस्ट अपडेट तभी आपके पास आएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे गाइस।